हेलो एवरीवन, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी का जो आइकन है इसको प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ यदि आप इसके पहले के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहाँ पर आपके क्लास के सभी फोल्डर दिख जाएंगे। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं या जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप क्लास 8 के टर्म 2 वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले फोल्डर को क्लिक करेंगे, आपको वहां पर सभी वीडियो दिख जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 9 का साइंस में, क्या चीज़ में, साइंस में पहला टॉपिक है आप लोगों का गति, गति को डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियोज़ में 10 ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज के इस वीडियोज़ में सभी 10 सवालों को हम ट्रिक के साथ याद करेंगे। देखिए, याद तो हो जाता है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो जाता है इसका आंसर ये होगा या फिर ये होगा, तो इन कन्फ्यूज़न में आप ना पड़े इसलिए आपके लिए बिल्कुल ट्रिक के साथ वीडियोज़ लाया गया है। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो आपका पहला सवाल देखिए क्या है, पहले सवाल में कह रहा है कि विस्थापन का SI मात्रक क्या होगा। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि विस्थापन होता क्या है, एक एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि क्लास कर रहे हैं तो अच्छे से करेंगे, कोई भी यहाँ पे फांकेबाजी नहीं चलेगी, अच्छे से क्लास करना है और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे विस्थापन होता क्या है। देखिए, अब मान लीजिए कि आपका यहाँ पर ये घर है, क्या है, यह आपका घर है, हाउस है, यहाँ पर आपका स्कूल है। स्कूल जाने का जो ये रास्ता है आपका, ये इस तरफ से गया, फिर ये गली आया, फिर ऐसे ऐसे से करके आप स्कूल पहुँच जाते हैं। ठीक है, ये आप स्कूल पहुंच गए, तो ये जो है आप जो है यहाँ से जो आप चलकर स्कूल जाते हैं, कभी इस गली जाते हैं, कभी उस गली जाते हैं, कभी इस रोड जाते हैं, ये स्कूल जाते हैं, तो ये आप दूरी तय करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे विस्थापन की, तो विस्थापन जो होता है वो डायरेक्ट होता है। क्या होता है? डायरेक्ट होता है, वो सीधा यहाँ से यहाँ जाएगा विस्थापन, इसे ही हम लोग कहते हैं विस्थापन। ठीक है, विस्थापन को ये गली कुछ इससे मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर बिल्डिंग है, घर बना है, तो विस्थापन कहता है कि बस हमको सीधा चलना है, घर रहे, बिल्डिंग रहे, टावर रहे, उससे कोई मतलब नहीं, सबको सीधा तोड़ दो और सीधे मुझे लेकर चलो। ठीक है, तो यानी विस्थापन का रूल बहुत ख़राब है, यानी कि वो किसी को बख्शेगा नहीं, वो सीधा सीधा चलेगा, आगे कुछ भी आ जाए, ब्रिज आ जाए, समुंदर आ जाए, बिल्डिंग आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो सीधा चलेगा। ठीक है ना, तो इसे हम लोग कहते हैं विस्थापन। हवाई जहाज़ जो यात्रा करता है कम समय में, वो विस्थापन दूरी को तय करता है। ठीक है, बात समझ गए। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे रहते हो, आपका शहर ये है, एक बगल में आपका शहर है। ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रेन से जाओगे तो वो ऐसे 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 घूम के जाएगी, इसको समय लगेगा। लेकिन अगर हवाई जहाज़ से जाओगे तो वो क्या करेगा, वो हवाई जहाज़ कहेगा मैं ऐसे क्यों जाऊँगा, मैं सीधा चलूँगा। ठीक है ना, वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा 10 मिनट में, समझ रहे हैं ना, वो ऐसे घूम कर नहीं जाएगा। तो ये जो दूरी तय होता है इसे ही हम लोग विस्थापन कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। अब आते हैं, कह रहा है कि विस्थापन का जो SI मात्रक क्या होता है, यानी हर चीज़ को मापने के लिए हमारे पास क्या होता है, मात्रक होता है। जैसे हम लोग आलू चावल खरीदते हैं तो किलोग्राम में उसको मापते हैं, तो उसी प्रकार से जो विस्थापन होता है उसको मापेंगे किस में, कितनी दूरी तय करी। ठीक है, तो विस्थापन का जो SI मात्रक होता है वो होता है मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो विस्थापन का SI मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अब बात आती है कि इसको याद कैसे रखेंगे, कन्फ्यूज़न में ना पड़े, कैसे याद रखेंगे। देखिए, विस्थापन का मतलब होता है विस्थापित कर देना, विस्थापन का मतलब नहीं, सॉरी, विस्थापन से आप लोगों को याद रखना है विस्थापित, क्या, विस्थापित। विस्थापित का मतलब क्या होता है, अलग थलग कर देना, है ना, विस्थापित कर देना। ठीक है, तो विस्थापन से एक वर्ड निकलता है विस्थापित, और विस्थापित का मतलब होता है अलग थलग कर देना। अब यहाँ पे आपका मीटर है, मास मीटर, मास मीटर, तो यहाँ पे m हो गया। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि इसको मार से याद रखेंगे, क्या चीज़ है, मार से, यानी मुझे या उसे इतना मार पड़ा कि वो क्या हो गया, विस्थापित हो गया। उसे इतना मार पड़ा कि वो क्या हो गया, विस्थापित हो गया। किसी भी चीज़ को इतना पीटा गया, इतना मारा गया कि वो क्या हो गया, विस्थापित हो गया, अलग अलग हो गया। ठीक है, तो मास है मार, मास है मीटर। ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट देखिए क्या है, दूरी का मूल मात्रक क्या होगा। आपके ऑप्शंस देखिए, मीटर है, न्यूटन है, सेकंड है, या फिर मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो दूरी का जो मूल मात्रक आपको बताना है कि क्या होगा।
तो दूरी का जो SI मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मूल मात्रक में मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। जिस तरह से आप लोगों का विस्थापन भी मीटर हो गया था, उसी प्रकार से आप लोगों का दूरी भी मीटर हो गया। अब आपको समझना है यहाँ पर कि आपका जो ये शहर यहाँ था, आप यहाँ रह रहे थे और ट्रेन आपका ऐसे जा रही थी, तो ये दूरी तय कर रही थी, इसका भी मीटर हो गया। लेकिन ये आपका शॉर्टकट मार रहा था, ये भी तो कुछ दूरी तय कर रहा है ना, तो इसका भी मीटर हो जाएगा। यानी विस्थापन का भी मीटर और दूरी का भी मीटर याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? दूरी का भी जो मात्रक होगा वो मीटर हो जाएगा, विस्थापन का भी मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, वेग का SI मात्रक क्या होगा? तो वेग का जो SI मात्रक क्या होगा, आपके ऑप्शन से मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वेग का जो SI मात्रक आपको बताना है, वेग का SI मात्रक यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वेग का SI मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। इसको याद कैसे रखेंगे? वेग से आपको बैग याद रखना है। क्या रखना है? बैग याद रखना है। तो आपको अपने मन में इमेज करना है कि बैग को मेरे सर पे रख दो। बैग के पास क्या है? भारी है। बैग क्या है? भारी है। आपको ले जाने में तकलीफ हो रही है, तो आप क्या कह रहे हैं कि बैग को मेरे सर पे रख दो, बैग को मेरे सर पे रख दो। ठीक है, यानी मीटर पर सेकंड याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला सवाल है हमारा, चाल का SI मात्रक क्या है? चाल का SI मात्रक क्या होगा? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है, चार ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चाल का SI मात्रक में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा, मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। आपने ऊपर क्या किया था? आपने ऊपर वेग वाला याद किया था। वेग को कहाँ रखा था? सर पे रखा था। वेग को कहाँ रखा था? सर पे रखा था। ठीक है, तो जब आप वेग को सर पे रख लिया था तो वो तो अब आपको रुकना नहीं है, अब आपको क्या करना है? चल देना है। क्या करना है? चलना है। तो चलना से कहाँ रखा जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ गए आप? कहाँ रखे थे? सर पे। चलिए, याद हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी जो राशि है वो सदिश राशि नहीं है। एक होता है सदिश, एक होता है अदिश। सदिश का मतलब होता है जिसमें दिशा हो, यानी कि जब वो चलेगा तो उसमें दिशा होगा, एक निश्चित दिशा में चलेगा। ठीक है, अदिश का मतलब होता है उसका कोई भी दिशा नहीं होता है। जैसे कि आपका चाल, चाल क्या होता है? वो एक अदिश राशि होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, यानी यहाँ पे तीन चीज़ जो है आपका वो सदिश है, एक जो है वो सदिश नहीं है। अब देखिए यहाँ पे वेग है, बल है, संवेग है और दूरी है, या इसमें से चारों में से कौन जो है वो सदिश नहीं है, जिसमें दिशा नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, दूरी। दूरी में दिशा नहीं होता है। आपको बोला गया दूरी तय करने के लिए, तो आप किधर भी, इधर जा सकते, इधर जा सकते, इधर जा सकते, इधर जा सकते, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, कैसे भी चल करके आप 5 किलोमीटर दूरी तय कर सकते हैं। ठीक है, उसका कोई भी दिशा मायने नहीं करेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दूरी। अब ये सब देख रहे हैं, वेग, बल, संवेग, एक होता है विस्थापन, ये चार एक ऐसी राशि है, इसको आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, जो सदिश होती है। यानी वेग, बल, संवेग है ना, विस्थापन, ये सब क्या है? चार फेमस है और इसको आप लोग याद रखेंगे, यही को रिपीट किया जाता है एग्जाम में। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्न में से कौन सदिश राशि है? अब आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो सदिश राशि है। ठीक है, द्रव्यमान होगा, बिल्कुल भी नहीं। वजन नापने वाली चीज़ में क्या दिशा होगा? नहीं होगा ना। दूरी तो होता नहीं है, चाल तो होता नहीं है, तो कौन हो जाएगा? विस्थापन। ठीक है, विस्थापन क्या हो जाएगा? एक सदिश राशि हो जाएगा। नेक्स्ट, ओडोमीटर क्या मापता है? आपके ऑप्शन है चाल को मापेगा, दूरी को मापेगा, समय को मापेगा या फिर औसत चाल को मापेगा। ठीक है, तो ओडोमीटर किसको मापता है? ओडोमीटर दूरी को मापता है। क्या मापता है? दूरी को मापता है। ओडोमीटर दूरी को मापेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे? अब देखिए, कोई चीज़ जो है सिर्फ चल करके या फिर जा करके कोई दूर नहीं जाता है, वो उड़ करके भी दूर जा सकता है, उड़ करके भी दूर जा सकता है। तो ओडो से उड़ना याद रखेंगे, उड़ करके इंसान कहाँ चला जाएगा? दूर चला जाएगा, तो दूरी याद रहेगा आपको। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, स्पीडोमीटर क्या मापता है? ठीक है, ऑप्शन है चाल, दूरी, समय या फिर औसत चाल। इसको आपको इंग्लिश में याद रखना है, स्पीडोमीटर है, स्पीडो से स्पीड याद रखिएगा, स्पीडो से स्पीड याद रखिएगा। स्पीडोमीटर स्पीड को मापता है। स्पीडोमीटर किसको मापेगा? स्पीड को मापेगा। और स्पीड को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। ठीक है, स्पीड को क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला सवाल देखिए क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं?
तो यहाँ पे चाल है ऑप्शंस में, वेग है, त्वरण है या विस्थापन है, ठीक है। तो अब देखिए इसको वेग में परिवर्तन की दर को जो कहते हैं वो है हमारा त्वरण, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। याद कैसे रखेंगे, जैसे आप लोगों ने वेग को कहाँ रख रहा था, वेग को सर पे रख रहे थे, तो क्या सर पे रख के खड़े रहोगे, तुरंत चलो, वेग को सर पे रख करके तुरंत चलो, है ना, वेग को सर पे रख करके कहाँ रख चलो, तुरंत चलो, तुरंत से त्वरण याद रहेगा। नेक्स्ट है हमारा विस्थापन की दर है, यानी विस्थापन की दर किसको कहते हैं, चाल, त्वरण, वेग या फिर दूरी को, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा विस्थापन की दर आपका ऑप्शन नंबर सी, वेग को। तो वी से देखिए यहाँ पे विस्थापन है, विस्थापन में वी है, वी है, वो है, वो से विस्थापन, वो से वेग, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। साथ ही साथ यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर सभी का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे सेकंड चैनल को भी जरूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।